हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो अभी मैं तो जा रहा हूँ ज़ियारत में, क्योंकि आज ईद भी शरीफ है, कुल शरीफ होगा, लंगर होगा, फिर दादा रोजे वाली ज़ियारत में। चलो फिर चलते हैं। सो गाइस देखो, फाइनली पहुँच तो चुके हैं अपनी ज़ियारत में। पैलेस के सामने दीवान के बाजार
खानका है और दूसरा साबिया चिश्तिया में गली बेंदारान में लाएंगे इंशाल्लाह। दावतनामा के लिए वो दावतनामे के लिए तशरीफ ला रहे हैं। उसके एक मोहब्बत देखिए हजरत सरकार सैयदना शाह इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला कुद्दूसिया के सबसे पहले बुजुर्ग यहाँ मुरादाबाद तशरीफ लाए और सिलसिला कुद्दूसिया की एक शमा रोशन की, सिलसिला साबरिया सिलसिला चिश्तिया की तालीमात को आगे बढ़ाया और यहाँ सबसे पहले आप ही ने मुरादाबाद का नाम मुरादाबाद ही रखा वरना इसका नाम चौपला। हजरत सरकार सैयदना शाह इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की तवारीख एक बहुत अजीम तवारीख है जिसके बारे में हजरत उर्स अगले माह यानी 15 जनवरी से इंशाअल्लाह उल अजीज 21 जमातुस्सानी जो कि हजरत सरकार अब्दुल्ला शामिया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का रिसाले कुल शरीफ यहाँ होगा और उसी में हम चश्मे मौलाए कायनात भी मनाएंगे। मौला अली का 21 तारीख है, हम चश्मे मौलाए कायनात में ही हजरत अब्दुल्ला शामिया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का 9:45 यहाँ पर रात में विसाले कुल शरीफ होगा और उसके बाद में कुल शरीफ के बाद में लंगर होगा इंशाल्लाह। आप लोग तशरीफ लाए। दूसरे दिन हजरत सरकार सैयदना शाह इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उसके ताल्लुक से यहाँ पर नात मनकबत की महफिल होगी, नातिया महफिल होगी और जश्न सिद्दीक अकबर मनाएंगे क्योंकि 22 जमादुस्सानी है तो हम जश्न सिद्दीक अकबर मनाएंगे। जश्न सिद्दीक अकबर में हम यहाँ पर दोनों दिन कुरान खानी होगी इंशाअल्लाह और फिर उसके बाद में यहाँ पर नातिया महफिल होगी और 23 जमादुस्सानी जो कि करीबन 17 जनवरी का पड़ेगा दिन, उसमें सुबह को 10:30 बजे हजरत सरकार सैयदना मजहरुद्दीन अब्दुल कुद्दूस गंगोही कुतुब आलम पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का हम यहाँ पर कुल शरीफ करेंगे यहाँ उर्स के ताल्लुक से और यहाँ पर उसके बाद में लंगर होगा इंशाल्लाह। शाम को उसी दिन 23 जमादुस्सानी को 17 जनवरी को इंशाल्लाह शाम में हजरत सरकार सैयदना शाह इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाले कुल शरीफ होगा जो कि बहुत जल्दी जैसे आज हमने ऐलान की वजह से ये जल्दी कर दिया और लंगर भी है तो इसी तरह से हम जल्दी करेंगे ताकि हमें मगरिब के वक्त तक पहुँचते पहुँचते हम उसे फारिग हो जाए और हल्का जिक्र में मसरूफ हो जाए जो है एक बुजुर्गो से एक सिलसिला चला रहा है। उसके बाद में रात को महफिल सिमा होगी, फिर अगले दिन सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक महफिल सिमा होगी, उसके बाद में गुस्ल शरीफ और लंगर कुल शरीफ और फिर उसके बाद लंगर, यह एहतमाम उसके ताल्लुक से रहेगा। हजरत सरकार सैयदना मदरुद्दीन अब्दुल कुद्दूस गंगोही कुतुब आलम पाक के उर्स में अलहाज शाह महताब आलम कुद्दूसी साबरी अल नौमानी मदरसिल्लाहुल आलिया का यही फरमान है कि जो किसी वजह से किसी मजबूरी की वजह से हजरत सरकार सैयदना मदरुद्दीन अब्दुल कुद्दूस गंगोही कुतुब आलम पाक के उर्स में गंगो शरीफ ना जा सके तो वो हजरत सरकार सैयदना शाह इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स में शिरकत फरमाए, उसकी हाजिरी गंगो की हाजिरी मानी जाएगी, उसकी हाजिरी कलियर की हाजिरी मानी जाएगी। ये ताजू मौलिया मुरादाबाद सैयदों का दरबार है, ये बड़ा आला दरबार है, यहाँ आप अदब के साथ में हाजिरी देंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा वरना आपको सारे मामला पता ही है किस अल्लाह के आजाब में एताब में दोनों तरफ से आप गिर जाएंगे। लिहाजा हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत अदब के साथ में हमें उसकी तैयारी करनी है और उसमें शामिल हो वजू के साथ में शिरकत करनी है जिससे कि हमें इब्राहिमी और कुद्दूसी और साबरी और चिश्ती फैजान जारी हो सके और अल्लाह उसके ताल्लुक से उसके रब करीम उसकी शिरकत से हमारे मसाइल को हल फरमाए। लिहाजा इस वक्त यहाँ दरबार में हजरत अब्दुल्ला शामिया के साहब के दरबार में ये काम चल रहा है, अभी हमारे सैयद सिकंदर अली शाह साहब ने ये बीड़ा उठाया है अपने जेब खास से कि इसमें जो है गुंबद बन जाए
और ये बहुत बड़ा है, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और इसकी जजाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। अब लंगर स्टार्ट होने वाला है, कुल शरीफ तो हो गया, तो देखो लंगर। तो देखो दोस्तों अभी लंगर चल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों कुल शरीफ भी हो गया और लंगर भी हो गया, और अभी जस्ट मगरिब की नमाज पढ़ के बैठे हैं हम लोग। तो लंगर तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। फिलहाल चलो अब घर चलते हैं।